कौन कौन जाकर काली काली मटकी में या फिर काले काले मिट्टी के कढ़ाई पर खाना बनाकर खा चुका है। भाई कद्दू की सब्ज़ी हो या किसी की भी सब्ज़ी हो, आप मिट्टी से बने हुए किसी भी बर्तन में बनाएंगे ना, स्वाद ही कुछ और होता है। तो नमस्ते यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज काफ़ी दिनों के बाद एक बड़ा ब्लॉग लेकर आ रही हूँ, वो भी काली काली मिट्टी में, मिट्टी के बर्तन में कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, बट मुझे तो ठीक भी लगती है और नहीं भी लगती है। तो मैंने कुछ ट्राई किया है, मेरे घर में भी मिट्टी के बर्तन में बहुत कम सब्ज़ियाँ बनती है, बट हाँ आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ कि चलिए देखते हैं कैसी बनती है। और हाँ सच में बहुत यम्मी बनी, आप लोग भी टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा सा कद्दू ले लिया, उसे फटाफट से सेप पे काट लिया, जैसा बना वैसे काटा, उसे अच्छे से दो बार वॉश कर लिया, दो बार अच्छे से। फिर मैंने मिट्टी का बर्तन ले लिया, उस कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर दिया, उस पर डाल दिया तेल। तेल डालने के बाद ना वो गर्म हो गया, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है तो काफ़ी टाइम लगाता है गर्म होने में। तो मैंने क्या किया कि पहले उसे बहुत अच्छे से गर्म कर लिया, फिर उसमें मसाले डालने शुरू कर दिए, जैसे जीरा राई, और इन दोनों को अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी मेथी। मेथी ना बहुत अच्छी होती है भाई, दर्द निवारक का काम करती है, तो मैंने मेथी भी डाला और साथ में डाल दिया सौंफ। सौंफ का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने डाला इसमें लहसुन और उसके साथ डाल दिए लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च, वो इतनी अच्छी होती है ना, तीखी तीखी सी चटपटी। ये डाला, हाँ आप हींग भी ऐड कर सकते हो, हींग गर्मी बहुत हो रही है इसलिए मैंने नहीं ऐड किया था, आप हींग भी डाल सकते हो और साथ में कलौंजी भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया कद्दू को, कद्दू में डाला और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल दिया उस पर नमक। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से एकदम मिक्स कर लिया, ताकि हमारे कद्दू पकने शुरू हो जाए और सुनहरे सुनहरे दिखना शुरू हो जाए। और साथ में मैंने डाल दिया थोड़े से वो जो सूखी वाली मेथी होती है ना, वो मैंने डाल दिया है ना, जो पैकेट में आती है। उसके बाद मैंने उसे ढक कर रख दिया काफ़ी देर, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है टाइम तो लगाता है, बट वीडियो में थोड़ा फास्ट है चीज़ें तो जल्दी जल्दी हो रही है। तो अच्छे से मैंने उसे फिर से चलाया, ढक कर रख दिया, फिर मैंने उस पर हल्दी और मसाला ऐड कर दिया। मसाले में मैंने सिर्फ धना मसाला ही डाला है, और कोई मसाले आप लोग ऐड मत करिएगा, बिल्कुल भी अच्छी लगी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी हो चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, सिंपल ही अच्छी लगती है। तो मैंने क्या किया, दो प्रकार सिर्फ हल्दी और मसाला डाला और उसे ढक कर रख दिया। ढक कर रखने के 2-3 मिनट के बाद मैंने उसे फिर से खोला, मतलब ना वो सुकड़ती जा रही है, नीचे बैठती जा रही है। और उसके साथ मैंने डाल दिया उसमें पानी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी सूख गई थी, तो मैंने क्या कर दिया उसमें पानी ऐड कर दिया। और पानी के साथ मैंने अच्छे से डालकर पानी को, और उसमें डाल दिया आम। आम का सीज़न है, हम तो आम इग्नोर कर नहीं सकते, तो आम का सीज़न है तो आम डालिए, अगर आम नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने कद्दू को बहुत अच्छे से चलाया और ढक कर रख दिया। उसके बाद जब पानी हल्का ससक गया, अंदर की ओर चला गया, मिक्स हो गया सब कुछ अच्छे से, फिर मैंने उसे ढक कर रख दिया, थोड़ी देर पका आया, फिर उसे खोला। इतनी अच्छी दिख रही थी ना, और कितना अच्छा पूरे घर में खुशबू हो गया था ना उस सब्ज़ी का, कि मैं क्या ही बोलूं। उसके बाद आप इसमें डालिए लाल मिर्च का पाउडर, जो कि बहुत अच्छा कलर देता है, क्योंकि कद्दू ऑलरेडी थोड़ी येलो सी होती है, तो आप उसमें ना लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए तो कद्दू और अच्छी दिखने लगेगी, है ना? क्या होता है कई बार लोग कद्दू खाना इग्नोर करते हैं भाई, पर मेरे घर में ना ऐसे कितने मुंह बनाने वाले लोग हैं कि हमें कद्दू नहीं खाना, बट ऐसा कद्दू बनेगा ना तो अच्छे से अच्छे इंसान खाएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने बनाया तो कैसा लगा। भाई मिट्टी के बर्तन में ही बनाइएगा, अपने आप से ना वो खुद का एक अलग ही टेस्ट लेकर आएगा। मैंने बनाया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत यम्मी, दाल चावल और कद्दू की सब्ज़ी हो जाए तो क्या ही नहीं। और हाँ, पूड़ी के साथ भी आप कद्दू की सब्ज़ी खा सकते हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।